हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो स्मूथी की रेसिपी। और मैं बताऊँ गाइस कि अभी मैं जहाँ बैठी हूँ वो मैं बैठी हूँ अपने गार्डन के ठीक बगल में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पंचायत में बेसिकली हर क्वार्टर के बगल में बहुत ही अच्छा स्पेस दिया होता है जिसमें आप अपने मनपसंद के फूलों को लगा सकते हो, सब्जियाँ लगा सकते हो, साथ में फलों की बागवानी भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है ठीक ईख का पेड़ जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे फल जो हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं। कुछ ऐसे फल हैं जो मैंने शादी से पहले देखे थे या फिर जो पे पिछली बार ही आई थी यहाँ पर तो वो फल नहीं देते थे, लेकिन अब वो है कि फल देने लगे हैं। जैसे मैं बताऊँ कि अभी हमारे घर में ही बड़े बड़े से आम के 3 पेड़ हैं। तो अभी जो है आमों की खरीदारी हमारी टोटली बंद है क्योंकि इतने ज़्यादा जो है घर से ही अवेलेबल हो रहे हैं कि अब जस्ट खाने का भी मन नहीं करता। मानो कि चारों तरफ लाइक आम ही आम है। देर आफ्टर आम हुए, देन कटहल है, पपीता, देर आफ्टर शरीफा जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, उसके अलावा केला, ईख आप देख रहे हो, बड़े वाले नींबू है वो भी हैं, अमरूद का भी पेड़ है और इसके अलावा भी कुछ पेड़ है लाइक श्रीफल हैं। तो मैं बताऊं कि ज़्यादातर जो है हमें चीज़ें जो है यहाँ से अवेलेबल होती हैं। इसके साथ ही मेरे नाना जी से एक हॉबी के तौर पे देखते थे, जब वो ड्यूटी से आते थे तो शाम को या फिर जब भी उन्हें समय मिलता था वो यहाँ पर सब्जियों की बागवानी किया करते थे। मेरी नानी जी यहाँ पर भगवान की अर्चना के लिए तरह तरह के फूल लगाया करती थी, तो अभी भी वो सब हैं, आदत में शुमार है। अब नाना जी थोड़े बूढ़े हो चुके हैं तो मामा जी ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हो सकेगा तो मैं आपके साथ किसी ब्लॉग में अपने पूरे बगान को यानी कि गार्डन को शेयर करूंगी। बगान यहाँ के लोकल भाषा में हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन तरह की जो सब्जियाँ हैं वो लगी हुई हैं, किस प्रकार के मतलब यहाँ पर फल हैं या फिर और सारी चीज़ें जो यहाँ का लुक है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बताऊँ कि आज जो मैं आपके साथ मैंगो स्मूथी की रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल ही घर के आम हैं और थोड़े मैंने छाट कर कर रख दिए हैं अलग से, जिसके साथ हम स्मूथी जो है रेडी करेंगे। यहाँ पर मान के चले तो आमों का जो है वहाँ यहाँ पर अभी तीसरा लहर चल रहा है। पहले लहर में खूब सारा अचार बनाया गया, दूसरा जो लहर रहा है उसमें हमने खूब सारा आम खाया। एंड देर आफ्टर अब जो है धीरे धीरे उबाऊ सा माहौल हो रहा है, बहुत लोग आम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसके आम के मतलब तरह तरह की रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। लाइक मैंगो आइसक्रीम हुआ, मैंगो स्मूथी हुआ, देर आफ्टर मैंगो लस्सी भी है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हम लोग मेरे जनरेशन की जो लड़कियां हैं, मेरी कजिन्स हैं, वो लोग तरह तरह की रेसिपीज़ भी सीखती हैं एंड घर के आम हैं तो यूटिलाइज भी हो जाते हैं अच्छी तरह से, जो कि ऐसे रखे रहते हैं तो अब खाने की इच्छा तो नहीं हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। और मैं बताऊँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने भी यहाँ पे कुछ कुछ लगाया है। जैसे कि एक बार मैंने मामा जी के कहने पर 12 12 12 यानी कि 12 दिसंबर 2012 को एक अमरूद का पौधा लगाया था और मामा जी ने कहा था कि ये डेट हमेशा याद रहेगा इसलिए अमरूद का पौधा लगा दो। तो वो अमरूद अब काफ़ी बड़ा हो गया है और फल भी देने लगा है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए कुछ फूल भी लगाए थे जो कि उनको समर्पित किए जाते हैं सॉरी। तो वो भी फूल जो हैं अभी आई थिंक हैं तो ये सब बहुत देख के अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जब मैं छोटी थी तो यहाँ पर मैं स्पेशली चना के साग की जो क्यारी बनवाती थी नाना जी से, उस पर सब जगह मतलब जो भी सब्जियां हैं उस पर खाद जो है उसका छिड़काव किया जाता था, लेकिन जो चने की जो क्यारी है पर्टिकुलरली जो चने का साग है उसकी जो क्यारी है उस पर खाद का छिड़काव नहीं किया जाता था क्योंकि उसे मुझे खाना होता था। और मैं एक स्पेशल नमक का मतलब प्रिपेयर करती थी नमक को, जो कि मेरी दादी जी ने मुझे सिखाया था, तो मैं उसे बना करके वहाँ पर्टिकुलरली उसे खाने ही जाती थी बगान में। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे उसे कच्चा ही खाना रहता था, मैं उस चने के साग को बनाती नहीं थी, कच्चा खाना प्रिफर करती थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, दिस काइंड ऑफ स्टफ्स आर देयर दैट आई हैव एन्जॉयड अ लॉट एट पंचित। सो बहुत ही जल्दी पॉसिबल हुआ कि मैं आपके साथ अनदर ब्लॉग शेयर करूं। मैंने पिछला ब्लॉग जो है पंचित डैम का कुछ हद तक मैं शेयर किया है आपके साथ, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं पूरा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि पूरा आपके साथ व्यू शेयर करूँ, तो आपको यहाँ की चीज़ें धीरे धीरे देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी एंड महसूस करने को मिलेंगी। आई होप कि आप मेरे इस जर्नी के साथ बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ अपने किचन की ओर। और मैं बताऊँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।
इसके साथ ही मैं बताऊँ गाइस कि अपने कजन्स के कहने पर और अपने भाई के कहने पर मैंने दर्शु के लिए एक इंस्टा अकाउंट भी क्रिएट किया है जिसका नाम है जस्ट लाइक दर्शिल। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप उसे वहाँ ज़रूर फॉलो कर सकती हो। वहाँ पर मैं उसके कुछ पर्सनल अपडेट्स भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन की ओर। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारे आमों को छाट करके रख लिया है। आप देख सकते हो सारे जो आम हैं ये बहुत ही फ्रेश है, आज ही तोड़े गए हैं। और मैं बताऊँगा इसकी आप यहाँ पर एक जो मैंगो स्मूथी के लिए बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें सभी आमों के जो पल्प हैं उसे आउट करना है। आप क्या कर सकते हो इसके लिए, उन आमों का चुनाव कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा पके हुए हो, इससे उनका पल्प जो है वो बहुत ही आसानी से आउट हो सकता है। यहाँ पर मैंने उन्हीं आमों को चुना है जो कि मेरे पास अवेलेबल थे। ये सारे आम आज ही तोड़े गए हैं तो बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं हैं, तो उसमें भी जो मुझे लगा कि ख़ास तौर से अच्छे पके हुए लग रहे हैं मैंने उन सारे आमों को छाँट लिया है। तो आप आमों से पल्प को आउट करने का दूसरा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आमों को देख कर उसके बाद ही डिसाइड करती हूँ कि मैं किस तरह से उसके पल्प को आउट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सारे आम जो हैं वो सेमी सॉलिड हैं, तो मैंने सबसे पहले उनके स्लाइस कर लिए हैं। अब मैं स्पून की सहायता से सारे पल्प को आउट करूँगी। तो आप दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो आम है वो कैसे हैं। और मैं बताऊँ गाइस कि मैंगो स्मूथी में, इसकी रेसिपी में थोड़े से वेरिएशन के साथ में आप मैंगो लस्सी भी बना सकते हो। और स्मूथी जाहिर सी बात है आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप मेरे साथ सीख ही रहे हो, लेकिन आप थोड़े से वेरिएशन के साथ मैंगो लस्सी भी बना सकते हो। अगर ऐसा मौका रहा कि मैं आपके साथ मैंगो लस्सी की रेसिपी शेयर करूं तो आप उसे भी बहुत ही आसानी से सीख लोगे। गर्मियों के मौसम में अगर आपका आम खाते खाते मन उब गया है तो आप इस तरह से सीज़न से जुड़े हुए फलों की स्मूथी बनाकर अपने घर में रखें और अपने घर आए मेहमानों को सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा उनकी खातिरदारी का। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने आमों के सारे पल्प जो हैं वो आउट कर लिए हैं। इसके साथ मैंने लिया है एक कॉफ़ी मग के करीब दूध, जिसे मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने एक बॉल शुगर लिया है। आप अपनी मिठास की जानकारी के अनुसार, अपनी स्वाद के अनुसार ही आप यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल करो। अगर आपको कम मिठास पसंद है तो आप बिल्कुल कम कर सकते हो यहाँ पर शुगर को। इसके अलावा मैंने उसकी गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। और यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। तो काफ़ी आसानी से हम हैंड ब्लेंडर की सहायता से 10 मिनट में ही बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं मैंगो स्मूथी को। ये ब्लेंडर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, काफ़ी इजीली वर्क करता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले स्विच ऑन करने के बाद इसमें जो बटन है ब्लू कलर का, उसे प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर 10 मिनट के करीब करीब इसको इसी तरह से रोटेट करूँगी बर्तन को, जिसमें भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपना जो ड्रिंक है या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह से रोटेट करते हुए आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। और ये देखिए, काफ़ी इजी है ये तरीका और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक मिक्सर ग्राइंडर की अपेक्षा, एक जूसर की अपेक्षा आप बहुत ही आसानी से इससे किसी भी चीज़ को ब्लेंड कर सकते हो और किसी भी चीज़ की स्मूथी ब्लेंड कर सकते हो स्पेशली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है स्मूथी तैयार हो गई है। अभी मैंने सिर्फ 4 लोगों के लिए सर्व किया है, बाकी लोग जो है वो थोड़ा और ठंडा पियेंगे। अभी कोरोना की वजह से यहाँ पर मैंने इसमें आइस के क्यूब्स नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग ठंडा अवॉइड कर रहे हैं। तो बस मैंने जो पल्प है उसे ही थोड़ा बहुत ठंडा कर लिया था, एंड देयर आफ्टर मैं बना रही हूँ इसे, ताकि जो लोग कम ठंडा पसंद करेंगे वो लोग इसे यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं काजू से और बादाम के कुछ टुकड़ों के साथ में और साथ में केसर के कुछ धागों के साथ में इसे सर्व कर रही हूँ और गार्निश कर रही हूँ। तो आप देखो कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो आप यहाँ पर आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर लो अगर आपको अधिक ठंडा पसंद है तो। अगर आपने इतना ठंडा ही पीना है तो आप बिल्कुल इतने पर ही स्टॉप कर सकते हो।
एंड हैंड ब्लेंडर की सहायता से करीब करीब 10 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से मैंने इसे प्रिपेयर कर लिया और मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई की झंझट भी नहीं हुई। सो आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी लग रहा है। इसमें थोड़े से वेरिएशन के साथ आप मैंगो लस्सी भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंगो का सीज़न है तो आप तरह तरह की रेसिपीज़ ट्राई कीजिए जो कि मैंगो फ्लेवर से रिलेटेड है, लाइक मैंगो आइसक्रीम हो गई, मैंगो कुल्फ़ी, जो भी आपको पसंद है आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बस कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें ट्राई करें। सर्दी खांसी होना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है अभी। तो आई होप कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।